बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, लोकसभा खरगोन बड़वानी सांसद श्री गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने बड़वानी पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर FIR कराने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा कोरोना महामारी को लेकर भारत की छवि खराब करने, वो भय का माहौल निर्मित करने, देश की शांति भंग करने और देश में अराजकताकारित कार्रवाई की जाने के उद्देश्य से भड़काऊ बयान का वीडियो जारी किए जाने के मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सेवा का कार्य किया जा रहा है, पर कल जिस प्रकार से COVID-19 का भारतीयकरण करने की कोशिश प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा किया गया, उसके विरुद्ध आज बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह जी पटेल साहब, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद सम्मानित गजेंद्र सिंह जी पटेल के साथ हम सब लोग आकर आज SP साहब को हमने आवेदन दिया और हमने मांग करी है कि इस भ्रामक और भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और बड़वानी कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, आज किस बात के लिए ज्ञापन दिया? आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष भाजपा और राज्यसभा सांसद मंत्री जी और लोकसभा सांसद द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के संबंध में जो है FIR दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया गया है। इस संबंध में हमें ये आवेदन प्राप्त हो गया है, जाँच का बनाने कार्रवाई की। न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RP TV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।